पाक फौज के दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं, बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर लीं। खैबर पख्तूनख्वा में 128, बलोचिस्तान में 51 और सिंध में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिर्फ मई में बलोचिस्तान में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 42 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 1 अप्रैल से 10 जून तक 7,745 ऑपरेशन किए। बरवक्त इंटेलिजेंस की बदौलत कलदम TTP के नापाक मनसूबे आश्कार हुए। तफसीला जान लेते हैं, नुमाइंदे खुसूसी गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सीनियर तर्जाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बकार खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गजाला, पहले ये बताइएगा कि कार्रवाइयों के हवाले से क्या दादो शुमार ISPR की जानिब से दिए गए हैं? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मोस्टर कार्रवाइयां की हैं। बरवक्त इंटेलिजेंस की बदौलत ये मुमकिन हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए 1 अप्रैल 2024 से 10 जून 2024 तक खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में 7,745 कामयाब ऑपरेशन किए हैं। यहाँ पर मैं सुनो के नाजरीन के लिए कुछ तफसीलात बताते चलूँ। खैबर पख्तूनख्वा में 2,001, बलोचिस्तान में 4,902 और सिंध में 142 ऑपरेशन किए गए और इन ऑपरेशन के दौरान 181 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 128, बलोचिस्तान में 51, सिंध में 2 दहशतगर्द हलाक किए गए। और सिर्फ मई के महीने का अगर मैं जिक्र करूं तो सिर्फ मई के महीने में बलोचिस्तान में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 42 को हलाक किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से मई के महीने में 61 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। हलाक दहशतगर्दों को सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिशों के दौरान भी जहन्नुम वासिल किया गया। मैं यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्बस्त कार्रवाई से दहशतगर्द तंजीम TTP शहरी इलाकों में अपने मजमू मजमू में नाकाम रही और इसी नाकामी को छुपाने के लिए TTP ने कबायली इलाकों के गरीब आवाम को अगवा, बराए तावान और टारगेट किलिंग पर मजबूर किया और फिर निशाना बनाया। इसके अलावा बाजोल, दीर और चित्राल के इलाकों में बरवक्त खुफिया इतलात की बिना पर कम अज कम 20 गुना दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया गया है। DI खान कामयाब कार्रवाइयाँ की गई हैं।